नमस्कार, कुकवित भावना में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दीपावली आ रही है और दीपावली के अवसर पर हम कई तरह की तैयारियां करते हैं। हमारे घर में कई तरह के पकवान बनाते हैं, नमकीन बनाते हैं। तो इसी अवसर पर मैं आपके सामने आज एक नमकीन की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि ट्रेडिशनल राजस्थानी नमकीन की रेसिपी है, मेवा मोगल नमकीन, जिसे मूंग दाल से बनाया जाता है और उसमें कई तरह के मेवे डाले जाते हैं। बहुत टेस्टी नमकीन बनके तैयार होता है ये, और इसे आप एक महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल खराब नहीं होता है। और उसे आज हम घर पे बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से, बिल्कुल हलवाइयों की तरह। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। और उससे पहले, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएं और मैं आने वाले दिनों में आपके लिए इसी तरह के मीठे और नमकीन की रेसिपीज लेके आने वाली हूँ, दिवाली स्पेशल। तो प्लीज आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। चलिए हम नमकीन बनाना शुरू करते हैं। मेवा मोगल नमकीन बनाने के लिए हमें जिन जिन सामग्री की जरूरत है वो हम एक बार देख लेंगे। यहाँ पर मैंने धुली हुई मूंग की दाल ले ली है 2 कप। ये मैंने 2 से 3 घंटे के लिए इसे पानी में भिगो दिया था अच्छे से धो करके, और जब ये पूरी अच्छी तरह से भीग गई तो उसे मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेनर में निकाल लिया है, छलनी में निकाल लिया है, और उसके नीचे एक बर्तन रख दिया है ताकि जो इसमें पानी बच गया है वो भी इसमें से निकल जाए। और उसके बाद यहाँ मैंने ले लिया है 1/2 कप काजू, 1/3 कप किशमिश, 1/3 कप यहाँ पर हमने बादाम ले ली है, 1/2 छोटी चम्मच काला नमक, 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च, और 1 छोटी चम्मच यहाँ पर मैंने ले लिया है नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं मेवा मोगर नमकीन बनाना। मेवा मोगर नमकीन बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो हमने ये मूंग मोगर दाल भिगो के ली है उसे एक कॉटन के कपड़े पे फैला लेना है इस तरीके से, ताकि इसमें जो भी पानी है वो बिल्कुल सूख जाए, बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए इसमें। 1 से 2 घंटे के लिए हम इसे इस तरह से फैला करके पंखे की हवा में ही सुखा लेंगे। अभी हमने हमारी जो मूंग दाल हमने ली थी उसे अच्छे से फैला लिया है एक कॉटन के कपड़े पे। अब हमें 1 से 2 घंटे के लिए इसे पंखे के नीचे छोड़ देना है ऐसे ही, ताकि ये अच्छी तरह से सूख जाए लेकिन बिल्कुल हार्ड ना हो, यानी इसका हमें सिर्फ पानी निकालना है, बिल्कुल ये सूख जाए अच्छे से उतना ही हमें सुखाना है इसे। लगभग 2 घंटे हो चुके हैं और हमने जो मूंग दाल सुखाई थी वो बिल्कुल सूख चुकी है। अब ये देखिए आप, इसमें बिल्कुल हाथों में हमारे पानी नहीं आना चाहिए, बिल्कुल ऐसे सूख जाए, इसमें पानी नहीं रहे, मतलब हमारी मूंग दाल अब फ्राई करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अभी हम इसे इकट्ठा करके किसी बर्तन में ले लेते हैं और अब हम इसे फ्राई करेंगे। यहाँ हमने दाल को इसमें निकाल दिया है एक बर्तन में, और अभी हम कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख देते हैं। यहाँ हमने एक कढ़ाई में ऑयल डाल करके और गरम करने के लिए रख दिया उसे गैस पे। अभी हमारा ऑयल गरम हो चुका है। आप इस तरह से हाथ ऊपर करें, आपके हाथों पे हीट लगेगी, मतलब हमारा ऑयल अच्छे से गरम हो गया है। अभी हम इसमें जो हमने बादाम ली थी वो फ्राई कर लेंगे। हमारी बादाम अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तो अभी हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है हमें इसे, नहीं तो ये जल सकती है। हमारी बादाम फ्राई हो गई है, अभी हम इसमें काजू डाल देंगे ताकि ये भी अच्छे से फ्राई हो जाएं। ये भी फ्राई हो चुके हैं, बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, और उसी बर्तन में हम निकाल लेंगे इसे भी। ये देखिए इस तरीके से हमारे काजू और बादाम अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो अभी हम इन्हें एक तरफ रख देते हैं और हमारी जो मूंग दाल है उसे हम फ्राई करेंगे। अब मूंग दाल को फ्राई करने के लिए आपको इस तरह की एक स्टील की छलनी चाहिए। इसे आप इस तरीके से कढ़ाई के अंदर रख दें और एक स्पून की सहायता से, या आप किसी भी बोल की सहायता से जो हमने मूंग दाल ली है वो इसमें डालेंगे और इसे बीच बीच में चला लें ताकि ये जल्दी से फ्राई हो जाए सब तरफ से।
जब दाल में से आवाज आने लग जाए यानी इसका जो गीलापन है वो खत्म हो जाए, उसके बाद हमारी जो दाल है वो बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गई है। तो अभी हम इसे हटा लेते हैं यहाँ से। ये देखिए हमारी दाल जो है वो बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गई है। तो अभी एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो इसमें इस तरीके से हम निकालते हुए इसे हम टिश्यू पेपर पे या किचन टॉवल पे निकाल लेंगे एक प्लेट में, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिश्यू पेपर में चला जाए। और फिर से हम यही प्रोसेस करके और जो हमारा बाकी का बचा हुआ मूंग दाल है वो भी फ्राई कर लेंगे। इसी तरीके से चलाते हुए जब आप मूंग दाल फ्राई करें तो आप गैस के फ्लेम को हाई पे रखें, तभी हमारी दाल जो है वो अंदर तक अच्छे से फ्राई होगी और क्रिस्पी बनेगी। हमारी दूसरी बार की मूंग दाल भी फ्राई हो चुकी है। इसी तरह से हम सारी मूंग दाल को फ्राई कर लेंगे। हमारा लास्ट मूंग दाल का जो बैच है वो भी फ्राई हो रहा है। और अभी हमें इसमें क्या करना है कि कुछ करी लीव्स, फ्रेश करी लीव्स हमने ली है, उसे इसके साथ ही डाल देंगे ताकि ये भी अच्छे से फ्राई हो जाए और इनका जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा फ्लेवर मूंग दाल में आ जाए हमारे। तो हमारा लास्ट बैच मूंग दाल का वो भी फ्राई होके बिल्कुल तैयार है और हमने गैस ऑफ कर दिया है। एक्स्ट्रा ऑयल निकालते हुए इसे भी हम किचन टॉवल पे ले लेंगे। हमारा मोकर अच्छे से फ्राई हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, इसमें बहुत ही जल्दी से जो हमने मसाले लिए हैं यानी कि काला नमक, काले मिर्च और नमक, वो सभी मिक्स कर देने हैं हाथों की सहायता से। इस तरह से आप स्प्रिंकल कीजिए इसके चारों तरफ, क्योंकि ये जब तक गर्म है तभी तक हमारे मसाले जो हैं वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। काले मिर्च हम इस पे डाल देते हैं। अभी हम इसमें नमक भी मिला देते हैं। और अभी अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए आप। अभी हम इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए थे वो भी मिक्स कर देते हैं। अभी हम इसे किसी बड़े बर्तन में ले लेते हैं ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अभी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं एक बार। ये देखिए बहुत ही बढ़िया हमारा मूंग मेवा मोगर बनके तैयार हुआ है और बहुत टेस्टी होता है ये खाने में। आप जरूर ट्राई कीजिए इसे घर में। ये बिल्कुल तैयार है अभी। फ्रेंड्स, देखा आपने कि मेवा मोगर बनाना घर में कितना आसान है, वो भी बिल्कुल हलवाई की तरह। तो आप भी इसे जरूर बनाएं इस दिवाली पे और सभी को खिलाएं। इसे आप एक महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल खराब नहीं होता है। और यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ।